सबसे पहले तो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मनीषा. बहुत हिम्मत चाहिए कैंसर जैसी बीमारी को ओवरकम करने के लिए, और जिस हिसाब से उन्होंने किया है वाकई तारीफ़ ही करनी है. ऑल्सो शी इज़ प्रोवाइडेड टू बी अ इंस्पिरेशन टू मैनी पीपल, क्योंकि जो इस दौर से गुजरते हैं सिर्फ उन्हीं को पता है कि कितनी तकलीफ़ होती है या किस प्रॉब्लम से भी वो गुजरते हैं, कितना पेन होता है या कितना घबराहट होती है. सो टू बी एबल टू गेट ओवर दैट, ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ फैमिली सपोर्ट इज नीडेड, डॉक्टर्स द बेस्ट डॉक्टर्स हैव टू ट्रीट यू फॉर इट. लेकिन जब अंदरूनी ताकत होती है, अंदरूनी हिम्मत होती है, तो कोई भी बीमारी को मात देना ज़्यादा आसान हो जाता है. एंड आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मनीषा टू बी दैट एग्जांपल फॉर पीपल अराउंड. ओके, इसी के साथ मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे या उनको क्या कहना चाहेंगे? कि हिम्मत रखिए, हार मत मानिए, एंड डेफिनेटली यू विल ओवरकम. अभी हाल ही में बहुत सारे लोगों को, बहुत जो हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन लोगों को एक साथ ये हुआ है. आई थिंक इट्स ऑल्सो टू डू विथ लॉट ऑफ लाइफ स्टाइल, आप क्या खाते हो, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है. सो इट्स मोर ऑफ अ लाइफ स्टाइल डिजीज, एंड आई थिंक होलिस्टिक लिविंग हेल्प्स. जैसे हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको ताकत देती हैं, और वही बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं आज के दौर में जो नुकसान पहुंचाती हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए. आज मॉर्निंग में एक खबर आई, काफ़ी खबर है ये देखिए, तो उसने कैंसर है वो इलाज करा रहे हैं जी. इवन आई वॉज़ वेरी शॉक, जैसे मैंने अभी कहा है कि बहुत सारे लोगों को जिनको हम जानते हैं और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ ये हुआ है. जब हम बचपन से या स्कूल टाइम में गुजरते थे तब कैंसर जैसी बीमारी होती थी किसी और के साथ, या हम सुनते थे कि किसी और के साथ ये हुआ है. लेकिन अब जिन लोगों को हम जानते हैं, पहचानते हैं, जो हमारे बहुत करीब हैं, उन लोगों के साथ ये हुआ है. अर्ली दिस ईयर आई लॉस्ट माई सिस्टर इन लॉ टू कैंसर ऑल्सो, सो आई नो हाउ मच प्रॉब्लम द कैमरी फैमिली गोज थ्रू. बहुत हिम्मत चाहिए, और सिर्फ उस आदमी के साथ नहीं जिसको कैंसर हुआ है, लेकिन फैमिली को बहुत सारी हिम्मत चाहिए, एक आसरा चाहिए और एक अंदरूनी ताकत चाहिए, ताकि वो जो कैंसर से गुजर रहा है उनको ताकत दे सके. अभी इसके बारे में ही बात करना, पर हम फिलहाल यहीं पे मनीषा जी के लिए आए हैं, तो बात वहीं तक रखते हैं.